मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों हम अपने इस वीडियो में हाइड्रोलिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। जब कभी आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर आपसे हाइड्रोलिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो इसकी मैं गारंटी देता हूं कि इन क्वेश्चंस में से किसी न किसी एक क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास भी हाइड्रोलिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो Q&A से रिलेटेड बनाऊंगा तो आपके उन क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो में सम्मिलित करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक क्या है? हाइड्रोलिक इज द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ फोर्सेस एंड मोशन थ्रू द मीडियम ऑफ फ्लूइड। हाइड्रोलिक में हम क्या करते हैं, फ्लूइड के माध्यम से किसी भी डिवाइस फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसके फोर्सेस और मोशन को फ्लूइड के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज हाइड्रोलिक। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हाइड्रोलिक वाल्व। हाइड्रोलिक वाल्व क्या है? तो वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस, या फिर हाइड्रोलिक वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंट्रोल द ऑयल एनर्जी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें किसी भी सिलेंडर का मूवमेंट फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में करवाना है तो उसको कितनी स्पीड के साथ में हम उसका मूवमेंट करवाएंगे, उस हिसाब से हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो कितने प्रेशर के साथ में सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा और एग्जिट करेगा, ये टोटली मतलब ये पूरा हम कंट्रोल हाइड्रोलिक वाल्व के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोलिक वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंट्रोल द ऑयल एनर्जी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व। यानी कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व को जो है उसके फंक्शन के हिसाब से, कनेक्शन के हिसाब से, यानी कि हम उसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, हम प्रेशर कंट्रोल वाल्व को जो है लाइन से पहले लगा रहे हैं या फिर लाइन के बाद में लगा रहे हैं, उसके कनेक्शन के हिसाब से, साइज के हिसाब से और प्रेशर ऑपरेटिंग रेंज के हिसाब से, यानी कि कितना प्रेशर हमें उससे रिलीज करना है और कितना प्रेशर रिलीज नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान में रख करके प्रेशर कंट्रोल वाल्व को डिफाइन किया जाता है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो है वो चार प्रकार के होते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, अनलोडिंग वाल्व और सीक्वेंस वाल्व। यहां पे मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जब कभी भी इंटरव्यूअर जब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और जैसे ही आपको इनके आंसर देंगे तो वो क्या करेगा कि इन्हीं में से फिर दोबारा वो क्वेश्चन ढूंढेगा जो आप आंसर देंगे। तो इंटरव्यूअर मोस्टली यही काम करते हैं कि जो भी आप आंसर देते हैं तो उस आंसर से ही फिर वो दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे कि इसमें वो क्या करेगा कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके बीच में इनके बारे में भी पूछ सकता है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अनलोडिंग वाल्व क्या होता है, उसका क्या काम है, या फिर सीक्वेंस वाल्व का हम यूज कहां पे करते हैं। तो इस तरीके से कभी भी इंटरव्यूअर जो है अपना क्वेश्चन वो बनाते चलता है। अब जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर जैसे ही दिया तो वो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीक्वेंस वाल्व, यानी कि सीक्वेंस वाल्व का पर्पज क्या है, या फिर हम सीक्वेंस वाल्व को किस तरीके से यूज करते हैं। तो व्हेन अ प्रेशर कंट्रोल वाल्व इज प्लेस्ड इन अ सच मैनर दैट इट विल एक्चुएट द ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर इट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस वाल्व। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई एक वर्क पीस है, उसमें को क्या करना है कि ड्रिल करना है हमें, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज से क्लैंप करेंगे। तो मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसके द्वारा हम उसको सबसे पहले क्लैंप करते हैं और फिर उसके बाद जो है हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा उसमें ड्रिल करते हैं। तो
अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कि उस वर्क पीस को हमारा सिलेंडर जो है वो क्लैंप करेगा, यानी कि हमारा ये पहला ऑपरेशन हो गया। जैसे ही एक बार वो वर्क पीस को क्लैंप कर लेगा तो उसके बाद क्या है कि उसमें ड्रिल का प्रोसीजर होगा, ये हमारा सेकेंड पोर्शन हो गया, यानी कि हमारा जो ये वर्क हो रहा है वो सिक्वेंस में हो रहा है, एक के बाद दूसरा वर्क। तो सिक्वेंस वाल्व का क्या वर्क होता है कि सबसे पहले यहां पे क्या वर्क है कि सबसे पहले वो हाइड्रोलिक फ्लूड को क्लैंपिंग सिलेंडर के तक पहुंचाएगा, यानी कि एक बार जब हमारा सिलेंडर क्लैंप कर लेगा तो फिर क्या करेगा कि वो हाइड्रोलिक फ्लूड को वापस ड्रिल मशीन की तरफ, यानी कि जो हमारी मोटर है उसकी तरफ भेजेगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो एक के बाद हो रहा है, यानी कि सिक्वेंस में हो रहा है, तो उसको हम सिक्वेंस वाल्व कहते हैं। तो व्हेन अ प्रेशर कंट्रोल वाल्व, जब प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज हम इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो एक के बाद दूसरा होता है, तो हम उसको सिक्वेंस वाल्व कहते हैं। दोस्तों सीक्वेंस वॉल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर के उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से इन चीजों के बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रिलीफ वॉल एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, यानी कि प्रेशर रिलीफ वॉल और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे मान लीजिए एक हाइड्रोलिक सर्किट है, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज उसमें कहां पे किया जाएगा। सर्किट में मान लीजिए उसके जो लाइन में, यानी कि पंप से वाल्व के बीच में जो हमारा लाइन है उसमें, उसके बीच में प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें 5 bar प्रेशर की रिक्वायरमेंट है लाइन में और पंप द्वारा जो प्रेशर है वो जनरेट करके, यानी कि पंप जो है वो जनरेट करके मान लीजिए 6 bar या फिर 7 bar प्रेशर जो है भेज रहा है, ठीक है। तो जो ये 5 bar से एक्स्ट्रा प्रेशर है, 1 bar या फिर 2 bar या फिर जितने बार भी 5 bar से एक्स्ट्रा प्रेशर आपका लाइन में जाएगा, वो क्या होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको रिलीफ कर दिया जाएगा। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का मतलब क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग, सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूं, उसके बारे में बता, इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से आप एग्जामिनर के सामने प्रोड्यूस कर पाओगे ये चीज मैं बताऊंगा। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन पोर्शन पे, सर्टेन पोर्शन मतलब मान लीजिए आपका डीसी वॉल और सिलेंडर जो है इसके बीच में जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट है 4 bar की, यानी कि सिलेंडर को फॉरवर्ड रिवर्स मूवमेंट कराने के लिए कितने स्पीड से उसको मूवमेंट कराना है, कितने स्पीड से उसको मूवमेंट नहीं कराना है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 4 bar प्रेशर की, ठीक है। और 5 bar प्रेशर जो है हमारा सर्किट में आ रहा है, यानी कि लाइन से हमारा 5 bar प्रेशर जो है वो आ रहा है, तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के द्वारा इस प्रेशर को जो है हम कंट्रोल करके सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल को भेज सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है, यानी कि हम इनको किस जगह पे यूज कर रहे हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो यूज करते हैं वो हम लाइन में करते हैं, यानी कि पंप से डीसी वाल्व के बीच में। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल जो है वो हो गया डीसी वॉल से हाइड्रोलिक सिलेंडर यानी हाइड्रोलिक एक्चुएटर के बीच में यूज होता है। तो इसको हम किस तरीके से एग्जाम्पल के सामने डिफाइन कर सकते हैं कि टू रिलीव एक्सेसिव प्रेशर फॉर सेफ्टी ऑफ सिस्टम। अब प्रेशर रिलीफ वॉल क्या होता है कि ये क्लोज टाइप वॉल होता है और साथ ही साथ ये डायरेक्ट पॉपेट ऑपरेटेड होता है, यानी कि एक बार आप प्रेशर इसके जिस हिसाब से सेट कर देंगे तो उस प्रेशर से जैसे ही उतने बार से मान लीजिए 5 bar से जैसे ही ऊपर प्रेशर जाएगा लाइन में तो ये क्या करेगा कि डायरेक्टली ऑपरेटेड ऑपरेट होगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसको रिलीफ करेगा। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व को जो है हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है कि कितना हमें प्रेशर चाहिए और कितना प्रेशर नहीं चाहिए, उसके हिसाब से ये क्या होता है कि हमें मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो टू सप्लाई रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि रिड्यूस प्रेशर इन द सर्टेन पोर्शन ऑफ द सर्किट, सर्टेन पोर्शन इन द सर्किट मतलब कि डीसी वॉल्व और एक्चुएटर के बीच में इसका यूज हम करते हैं। अब ये क्या होता है कि चूंकि हमारा रिलीफ वॉल्व जो है वो क्लोज टाइप वॉल्व होता है तो ये ओपन टाइप वॉल्व हो गया। इट रिड्यूस इट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें, जब हमें प्रेशर को जो है रिड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब ये क्या है कि स्लाइडिंग स्पूल जो है ऑपरेटेड वॉल्व होता है और साथ ही साथ पायलट के थ्रू भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम,
यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन से ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो यूज करते हैं। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात करूं कि यानी कि हमारा जो वाल है या फिर जो भी डिवाइस है अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसके लिए हम 68 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो यूज करते हैं। अगर वही वाल या फिर वही डिवाइस जो है इंडिया में ना मैन्युफैक्चर होकर के जापान हो गया या फिर यूएसए में अगर मैन्युफैक्चर हुआ है तो 32 या फिर 46 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो यूज किया जाता है। इनके बीच में जो कॉमनली डिफरेंस है वो ये है कि ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कम और ज्यादा होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी हाई विस्कोसिटी की हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। आपने अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, जबकि जापानीज मीन्स जापान में बने हुए वाल या फिर जो डिवाइस होते हैं वो कम विस्कोसिटी के हाइड्रोलिक ऑयल की रिक्वायरमेंट रखते हैं। दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन 3/2 एंड 4/2 डीसी वाल, यानी कि 3/2 और 4/2 डीसी वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है जिसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। 3/2 का मतलब पहले समझिए और 4/2 का मतलब पहले समझिए। 3/2 का मतलब ये हो गया कि थ्री पोर्ट इन द सेंस पोर्ट पी ए एंड आर, एंड टू का मतलब ये हो गया कि टू पोजिशन, पोजिशन वन एंड पोजिशन टू। वही 4/2 का मतलब ये हो गया कि फोर पोर्ट मतलब पी ए बी एंड आर, ये आपके फोर पोर्ट हो गए और टू पोजिशन यानी कि पोजिशन वन एंड पोजिशन टू। तो 3/2 एंड 4/2 पोर्ट में क्या, 4/2 डीसी वॉल में क्या डिफरेंस होते हैं कि 3/2 डीसी वॉल में आपको तीन पोर्ट मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो पोर्ट पी से पास होकर के पोर्ट ए के द्वारा हाइड्रोलिक सिलेंडर में जाएगा और जब वापस रिटर्न हमारा जो सिलेंडर है जब रिटर्न आएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो पोर्ट ए से ही वापस होते हुए ये जो हमारा पोर्ट है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि रिटर्न लाइन पोर्ट से कनेक्ट होकर के डायरेक्टली हाइड्रोलिक ऑयल में चला जाएगा। वहीं 4/2 पोर्ट में, 4/2 डीसी वॉल्व में क्या होता है कि इसमें चार पोर्ट होते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो इस लाइन से होकर के सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा और इस पोर्ट से होकर के वापस रिजर्वायर में चला जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे जब ये सेकेंड पोजिशन होगा तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि पोर्ट पी है, पोर्ट पी जो है वो पोर्ट बी से कनेक्ट होगा और पोर्ट ए जो है वो पोर्ट आर से कनेक्ट हो जाता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों यही है कि 3/2 में तीन पोर्ट होते हैं और टू पोजिशन हो गया, और 4/2 में फोर पोर्ट और टू पोजिशन हो गया। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व, कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या डिफरेंस है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज किस लिए हम करते हैं, टू रिलीव द एक्सेसिव प्रेशर इफ ऑयल प्रेशर इज ग्रेटर देन द वर्किंग प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमें कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम को वर्क करने के लिए, यानी कि हमारा जो एक्चुएटर है उसको वर्क करने के लिए कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें कोई छोटा वर्क करना है और 4 से 5 बार प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और सिस्टम द्वारा वो प्रेशर जो है 5 बार से ऊपर यानी कि 6 बार 7 बार या 8 बार प्रेशर जो है वो लाइन में जनरेट किया जा रहा है, तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है वो प्रेशर जो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व द्वारा रिलीव कर दिया जाता है, और जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रेशर जो है हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर या फिर एक्चुएटर तक या फिर कोई भी डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व के द्वारा। और फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज क्या है, इट इज यूज टू वेरी द स्पीड ऑफ द एक्चुएटर बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर और प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल, यानी कि यहां पे मैंने न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों को कंबाइन करके बताया हुआ है। तो सेम वही डिफरेंस है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में उठाया था इसको। फ्लो कंट्रोल वॉल्व के द्वारा हम एक प्रेशर रेंज सेट कर देते हैं कि हमें इतना प्रेशर ही सिर्फ सिलेंडर में यानी कि एक पर्टिकुलर
सर्किट में इतना प्रेशर की रिक्वायरमेंट हमें है, इसके द्वारा हम सेट करके उतने प्रेशर ही हम हाइड्रोलिक सिलेंडर तक या फिर जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल हाइड्रोलिक पंप क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से भी इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच डिलीवर हाई प्रेशर ऑयल टू द सिस्टम। यानी कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम तक हाई प्रेशर को डिलीवर करता है। तो आई होप दोस्तों कि आप इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और साथ ही साथ किस तरीके से इंटरव्यूअर के सामने इसको इनके आंसर देने हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पसंद आया होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।